इंडसइंड बैंक प्राइवेट सेक्टर का एक दिग्गज बैंक है जिसकी ब्रांचेस आपको लगभग सभी शहरों में मिल जाएगी। इंडसइंड बैंक की खास बात यह है कि ये आपको आपकी पसंद का अकाउंट नंबर चूज करने की फैसिलिटी देता है, यानी जो नंबर्स भी आपको पसंद है वो आप अपना अकाउंट नंबर बना सकते हैं। इसके साथ ही इसमें आपको वर्चुअल डेबिट कार्ड, फिजिकल डेबिट कार्ड, चेकबुक, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, UPI सभी फैसिलिटीज मिलती है। इंडसइंड बैंक में आप ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं फुल KYC के साथ, यानी आपको एक बार भी ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है। सो इस वीडियो में मैं आपको इंडसइंड बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बाईस में एक इंडसइंड बैंक अकाउंट ओपन करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप ओपन योर अकाउंट नाउ पर क्लिक करेंगे। इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे तो नीचे आपके सामने अकाउंट नंबर आ जाएगा। आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। जो भी आपको अकाउंट नंबर रखना है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। जैसे कि मैं ये अकाउंट नंबर रखना चाहता हूँ, इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ आपको अपना आधार कार्ड नंबर डालना है। नीचे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डाल देना है। इसके बाद यहाँ टिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। वो OTP आप यहाँ डालेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। आपका नेम ये आधार कार्ड से ले लेगा। इसमें आपको एक ईमेल आईडी डाल देनी है। नीचे आप मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, मदर नेम, फादर नेम डालेंगे। इसके बाद अपना बिजनेस टाइप चूज करेंगे। इसके बाद आप अपना ऑक्यूपेशन चूज करेंगे। इसके बाद आप अपनी मंथली इनकम चूज करेंगे। आपके आधार कार्ड में जो एड्रेस है वो आपके सामने आ जाएगा। यही एड्रेस आपका कम्युनिकेशन एड्रेस बन जाएगा। लेकिन अगर आपको कम्युनिकेशन एड्रेस कुछ और रखना है तो आप इस पर टिक करेंगे। जो भी आपको कम्युनिकेशन एड्रेस रखना है वो आपको यहाँ टाइप कर देना है। बैंक की तरफ से डेबिट कार्ड, चेकबुक सब इसी एड्रेस पर सेंड किया जाएगा। इसके बाद आपको ब्रांच चूज कर लेनी है, किस ब्रांच में आप ये अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं। आपके पिन कोड की सभी ब्रांचेस आपके सामने आ जाएगी। जिसमें भी आपको अकाउंट ओपन कराना है वो आपको चूज कर लेनी है। अगर आप अपने इस अकाउंट में DBT बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो आप इस पर टिक करेंगे, और अगर आप DBT बेनिफिट्स इस अकाउंट में नहीं लेना चाहते तो आप ये टिक करेंगे। इसके बाद आपको नॉमिनी डिटेल्स फिल करनी होगी, तो यहाँ पर आपको नॉमिनी का नेम डाल देना है। यहाँ पर रिलेशन चूज कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर आपको नॉमिनी ऐड नहीं करना है तो इसको आप अनचेक कर दीजिए। आपके सामने अकाउंट टाइप्स आ जाएंगे। जो भी अकाउंट आपको ओपन करना है उसको आप सिलेक्ट करेंगे। इसमें आपको दो जीरो बैलेंस अकाउंट मिलते हैं, एक है इंडस डिजी स्टार्ट और दूसरा है इंडस डिलाइट। ये दोनों जीरो बैलेंस अकाउंट है, लेकिन इसमें आपको इनिशियल फंडिंग करनी होगी। इंडस डिलाइट में आपको 10,000 रुपीज की इनिशियल फंडिंग करनी होगी और इंडस डिजी स्टार्ट में आपको 20,000 रुपीज की इनिशियल फंडिंग करनी होगी। ये पैसे इसमें आपको बस ऐड करने होंगे, इसके बाद आप इनको निकाल सकते हैं। अकाउंट आपका जीरो बैलेंस रहेगा। अगर आप इसमें कोई अमाउंट मेंटेन नहीं करते तो आपको कोई पेनल्टी नहीं देनी होगी। नीचे आप स्क्रॉल करेंगे तो आपको मिनिमम बैलेंस वाले अकाउंट्स भी मिल जाएंगे, ये भी आप ओपन कर सकते हैं। किसी भी अकाउंट के बेनिफिट्स देखने के लिए आप व्यू डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मुझे इंडस डिलाइट अकाउंट ओपन करना है तो व्यू डिटेल्स पर क्लिक करूंगा। इसमें आप इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं कि इस अकाउंट में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं इंडस डिलाइट चूज कर लेता हूँ। जो भी आपको UPI आईडी रखनी है वो आप यहाँ पर टाइप करेंगे। इस तरह से आपकी UPI आईडी बन जाएगी। नीचे आपको मोबाइल बैंकिंग डिटेल्स फिल कर देनी है, तो जो भी आप यूजर नेम रखना चाहते हैं वो आप यहाँ टाइप करेंगे। मोबाइल बैंकिंग के लिए जो भी आप MPIN रखना चाहते हैं वो आप यहाँ टाइप करेंगे। इसके बाद यहाँ दोबारा से टाइप करेंगे कंफर्म करने के लिए। इसके बाद कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद आपके सामने कंप्लीट एप्लीकेशन आ जाएगी। आप एक बार सही तरीके से चेक करेंगे। इसके बाद आप टर्म्स और कंडीशंस को एक्सेप्ट करेंगे और कंफर्म करेंगे। इसके बाद आपको इनिशियल फंडिंग करनी होगी। जैसे कि मैंने इंडस डिलाइट अकाउंट चूज किया है तो मुझे 10,000 रुपीज की इनिशियल फंडिंग करनी होगी, प्लस 590 रुपीज डेबिट
क्रेडिट कार्ड के पे करने होंगे तो टोटल मुझे 10,590 रुपीस ऐड करने होंगे। ये सिर्फ इनिशियल फंडिंग है, ये 10,000 रुपीस आप अपने डेबिट कार्ड से निकाल सकते हैं, अकाउंट आपका जीरो बैलेंस रहेगा। अगर आप इसमें कोई अमाउंट मेंटेन नहीं करते हैं तो आपसे कोई पेनल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। तो पे नाउ पर क्लिक करके इनिशियल फंडिंग करेंगे। इसके बाद पे नाउ पर क्लिक करेंगे, ये फंड आप डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI से ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं UPI चूज कर लेता हूँ। इसमें यहाँ पर आपको ऐप चूज कर लेना है, कौन से UPI ऐप से आप पे करना चाहते हैं। जैसे कि मैं फोन पे चूज कर लेता हूँ। इसके बाद प्रोसीड, इसमें आप अपना UPI ID डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद प्रोसीड, अमाउंट ऐड करते ही आपके सामने वीडियो KYC का ऑप्शन आ जाएगा। आप हैंड टू हैंड वीडियो कॉल के थ्रू फुल KYC कंप्लीट कर सकते हैं, या फिर आप बाद में ब्रांच जाकर के भी फुल KYC करा सकते हैं, या फिर आप बाद में भी वीडियो KYC कर सकते हैं। बाद में वीडियो KYC करने के लिए आपको इस पेज पर आना होगा। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, नीचे आप ये कैप्चा फिल करेंगे, इसके बाद कंटिन्यू। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ डालकर वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। इसमें आप कंसेंट देंगे, इसके बाद प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहाँ डालकर वेरीफाई आधार OTP पर क्लिक करेंगे। इसके बाद वीडियो KYC स्टार्ट करने के लिए प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। वीडियो कॉल स्टार्ट हो जाएगा और बैंक की तरफ से एक एजेंट आपसे कांटेक्ट करेगा। उसको आप ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाएंगे और एक पेपर पर सिग्नेचर करके दिखाएंगे तो आपकी फुल KYC कंप्लीट हो जाएगी। अकाउंट ओपन करने के बाद आपको इंडस मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालकर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ यूजर ID डालेंगे जो आपने अकाउंट ओपन करते समय क्रिएट की थी, और कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप MPIN डालेंगे जो आपने सेट किया था अकाउंट ओपन करते समय। आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP सेंड किया जाएगा, वो OTP आप यहां डालकर सबमिट करेंगे। सक्सेसफुली आप मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन हो जाएंगे। इसमें आप अपना बैलेंस और अकाउंट डिटेल्स देख सकते हैं। फंड ट्रांसफर पर क्लिक करके आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल पेमेंट पर क्लिक करके आप बिल्स पे कर सकते हैं। नीचे भीम UPI पर क्लिक करके आप UPI स्टार्ट कर सकते हैं। कार्ड्स पर आप क्लिक करके आप अपना वर्चुअल डेबिट कार्ड देख सकते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, डेबिट कार्ड्स और क्रेडिट कार्ड्स। आप डेबिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने वर्चुअल डेबिट कार्ड आ जाएगा जिसको आप कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग के लिए यूज कर सकते हैं। यहीं से आप इसको ब्लॉक कर सकते हैं और इसकी लिमिट्स को मैनेज कर सकते हैं। इसमें आप VUCVV एक्सपायरी डेट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP डालकर सबमिट करेंगे तो आपका कार्ड नंबर, CVV और एक्सपायरी डेट शो हो जाएगी। फिजिकल डेबिट कार्ड भी बाय पोस्ट आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। लेफ्ट साइड में आपको एक मेन्यू मिल जाएगा, इसमें आप सर्विस रिक्वेस्ट पर क्लिक करेंगे तो यहां से आप अपने बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट निकाल सकते हैं। FD RD आप ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, और यहीं से आप अपना आधार कार्ड नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी, पैन कार्ड नंबर अपडेट कर सकते हैं। सो इस तरह से इंडसइंड बैंक में ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से आप एक बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं फुल KYC के साथ। आई होप कि वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं।